क्या आपकी स्किन भी रूखी बेजान हो चुकी है और ऐसा फील हो रहा है कि आप सदियों से बीमार हो। आपकी स्किन के ऊपर रौनक ही नहीं है, आपकी स्किन डल लग रही है, डैमेज है। तो ये जो टोटके हैं आपके लिए हैं, आप इसको एंड तक देखिएगा और जो भी टोटका आपकी स्किन को सूटेबल लगे आप इसको यूज़ कर सकते हैं। रमज़ान में इन टोटकों में से कोई भी टोटका यूज़ कर लें, आपकी स्किन फ्रेश हो जाएगी और ईद पर आपकी स्किन चांदी की तरह चमक रही होगी। सब यही पूछेंगे कि कौन से पार्लर से ये फेशियल करवा के आई हो। तो चलते हैं इन टोटकों की तरफ। थोड़ी सी कॉलगेट टूथपेस्ट अपने हाथ के ऊपर डालनी है। हाफ टी स्पून आपने चीनी डालनी है, पीसी हुई चीनी डाले तो ज्यादा अच्छा है। हाफ टी स्पून या 1 टीस्पून आपने शहद को ऐड करना है। अच्छे तरीके से इसको मिक्स कर लें, जैसा कि वीडियो में मैं बता रही हूँ इसी तरीके से आपने मिक्स करना है। इसको अपने हाथों और पाओ के ऊपर अच्छे तरीके से मल लें। 3 से 4 मिनट आपने इसका मसाज करना है। फिर तकरीबन 4 से 5 मिनट बाद अपने हाथों को नॉर्मल पानी के साथ धो लेना है। आपके हाथ और पाओ चांदी की तरह चमक उठेंगे। इस फेस वॉश पाउडर से जब आप अपनी स्किन को धोएंगे तो आपका जो हाथ है, चेहरा है, निखरा निखरा बेदाग हो जाएगा। इस फेस वॉश पाउडर को बनाने के लिए आपने सबसे पहले क्या करना है, लेना है बेसन। और इधर मैंने 1 टेबलस्पून बेसन को लिया है और उसको एक बाउल में ऐड कर लिया है। मछली के तेल के कैप्सूल डालने हैं 3 से 4 अदद और सीकोन एबर्ट्स के, या तो फिर पाउडर को क्रश करके डालें और या नहीं तो फिर आप इसके जो ड्रॉप्स हैं लिक्विड फॉर्म में वो भी डाल सकते हैं। विटामिन ई के कैप्सूल भी इसके अंदर डाल सकते हैं। इसको कर लेना है अच्छे तरीके से मिक्स और फिर थोड़ा सा ओलिव ऑयल को भी डाल के इसके मिक्स कर लेना है। हमारी जो पाउडर की कंसिस्टेंसी है कुछ इस टाइप की हो जाएगी। आप इसको वॉश बेसिन पर रख लें और जब भी अपना हाथ और मुँह धोएँ, चेहरा धोएँ, तो इससे मल मल के अपने चेहरे को धोएँ तो आपका चेहरा निखरा निखरा बेदाग हो जाएगा। ऐसा आपने दिन में 1 से 2 बार करना है। लड़के हों या लड़कियां, अगर आपके चेहरे का भी ग्लो खो चुका है तो एकदम से अपनी स्किन को ग्लोइंग करना चाहते हैं तो फौरन से एक काम कर लें। एक बाउल में आपने 2 टेबलस्पून बेसन डालना है, 1 पिंच हल्दी डालनी है, 2 टेबलस्पून दही डालना है, 1 टेबलस्पून शहद को ऐड करके इसको अच्छे तरीके से मिक्स करें और इतना मिक्स करें कि ये सारी चीजें यकजान हो जाए। आपने इसको अपने चेहरे के ऊपर फैला लेना है, लगा लेना है। 10 से 15 मिनट तक आप अपने चेहरे के ऊपर इसको लगाएं और बाद में नॉर्मल पानी के साथ धो लें। आपका चेहरा उसी वक्त खिल जाएगा और ऐसा फील होगा कि जैसे आपने अभी अभी किसी पार्लर से फेशियल करवाया हो। आम रूटीन में आप इसको वीक में 1 से 2 टाइम यूज कर सकते हैं। गाजर की जेल हम आज घर बनाएंगे, अपने चेहरे के ऊपर लगाएंगे। काले स्याह धाग धब्बे हैं, झुर्रियां हैं, मलाजमा है, इसको खत्म कर देगा और आपकी स्किन को 3 से 4 शेड गोरा भी करेगा। एक गाजर को लेकर छिलका उतार को कद्दूकश कर लें। कद्दूकश करने के बाद आपने किसी मलमल के कपड़े के अंदर इसको डाल के इसका अच्छे तरीके से जूस ले लेना है। एक बाउल में 1 से 2 टेबलस्पून एलोवेरा जेल को डालना है, 1 टीस्पून गाजर के जूस को डाल के इसको मिक्स कर लें। 1 अदद विटामिन ई का कैप्सूल डाल के फिर दोबारा इसको मिक्स कर लें। हमारी ये गाजर की जेल जो है बनकर रेडी हो चुकी है। आप इसको फ्रिज में 1 वीक के लिए स्टोर करके रख सकते हैं। रात के टाइम आपने अपने चेहरे के ऊपर इसको अप्लाई करना है और सुबह उठकर नॉर्मल पानी से धो लेना है। आपका जो चेहरा है चांद की मानद खिल उठेगा। अच्छे रिजल्ट्स के लिए आप इसको 15 दिन मुतवातर यूज करके देखें, आपको बहुत फायदा मिलेगा। आप इसके क्यूब्स बना के भी फ्रिज में स्टोर करके रख सकते हैं। इसके अलावा आप इस जेल को अपने फेस वॉश के अंदर भी मिक्स करके इसके साथ चेहरा भी धो सकते हैं। लीमू ले लें या फिर टमाटर को 2 हिस्सों में कट कर लें। पीसी हुई चीनी ले लें या फिर सादी चीनी ले लें, उसको एक प्लेट के अंदर डाल के टमाटर को उसके अंदर अच्छे तरीके से लगाना है, यानी कि सारी चीनी टमाटर के ऊपर लग जाए। थोड़ा सा कॉफी पाउडर इसके अंदर डालना है। अगर आपके पास कॉफी पाउडर नहीं है आप इसकी जगह हल्दी को भी डाल सकते हैं। अपने हाथों के ऊपर, बाजू के ऊपर, पाँव के ऊपर, जिधर भी आपके स्किन के ऊपर टैनिंग है या कालापन है तो आपने इससे मसाज करना है। मसाज आपने तकरीबन 3 से 4 मिनट तक करना है, लेकिन मसाज आपने बहुत ही आस्ता आस्ता से करना है, बहुत ज़्यादा रगड़ रगड़ के नहीं करना। हाथों को, चेहरे को या पाँव को जिधर भी आपने इसको अप्लाई किया होगा नॉर्मल पानी से धो लेना है। आपके हाथ, पाँव, बाजू एकदम से खिल उठेंगे। आप इसको पूरी बॉडी के ऊपर भी यूज कर सकते हैं। जब आप इसको यूज करेंगे तो आप एकदम से हैरान हो जाएंगे कि आपकी स्किन बहुत ज्यादा चमकदार होगी और व्हाइट दिखने शुरू होगी। स्किन व्हाइटनिंग अमरूद का स्क्रब बनाने के लिए अमरूद को हाफ कट करके इसके बीज को अलग कर लेना है और बाकी का जो अमरूद होगा उसको ग्रेटर की मदद से ग्रेट कर लें। बीज होंगे उनको सील पत्थर के ऊपर अच्छे तरीके से कूट लें ताकि जितने भी बीज हैं अच्छे तरीके से नरम पड़ जाएं।
जब बीज अच्छे तरीके से नरम हो जाए तो जो ग्रेट किया हुआ अमरूद होगा वो भी इसके अंदर डाल देना है। कभी अच्छे तरीके से इसके अंदर मिक्स कर लें। थोड़ा सा पीस फ्रेश एलोवेरा जेल का इसके अंदर डाल दें। अगर आपके पास फ्रेश एलोवेरा जेल है तो ठीक है, नहीं है तो आप मार्केट वाली भी डाल सकते हैं। स्किन के ऊपर, अपने चेहरे के ऊपर, अपने हाथों के ऊपर इसका मसाज करना है। फिर 4 से 5 मिनट बाद मसाज करने के बाद अपने चेहरे को नॉर्मल पानी से धो लेना है।